हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बालों को स्ट्रेट रखने का फैशन हमेशा ही इन रहता है, लेकिन कभी कभी जब भी फैशन चेंज होता है तो बालों के अंदर वॉल्यूम और कर्ल्स काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। अगर आप कोई बहुत ही अच्छा सा कोई गाउन पहन रहे हैं या फिर कोई साड़ी पहन रही हैं और आपकी साड़ी या फिर आपका अटायर आपको बाल खोलने की इजाजत देता है तो आप अपने बालों के अंदर गर्ल्स को ट्राई कर सकती हैं। ज्यादातर गर्ल्स अपने बालों में कर्ल्स तभी करती हैं जब वो कॉलेज गोइंग होती हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज वगैरह करती हैं। लेकिन कई बार जब भी हमें अपने बालों को कर्ल करना होता है तो हमारे सामने ये परेशानी आ जाती है कि हम अपने बालों को कर्ल करें तो कैसे करें। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पर ही अपने बालों को कर्ल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए अच्छे शैम्पू और कंडीशनर से, और बालों को सूखा लीजिए पूरे तरीके से। जब आपके बाल पूरे तरीके से सूख जाए तो अपने कंघी की सहायता से बालों को अंदर की तरफ रोल करिए और उसके बाद हेयर स्प्रे और बॉबी पिंस की सहायता से अपने बालों को कर्ल करिए। अगर आपको ऐसा करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप हेयर सीरम का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कंघी का इस्तेमाल करके अपने बालों को कर्ल नहीं करना चाहती हैं तो आप बड़े रोल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। प्लास्टिक के रोलर्स आपके बालों में लगाकर आपको 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक अपने बालों के अंदर लगाकर रखने होंगे और उनको अच्छे तरीके से बालों के साथ जॉइंट करने के लिए आपको ढेर सारी बॉबी पिंस का सहारा लेना होगा। ऐसा करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपके बालों को अच्छे तरीके से कर्ल करने के लिए और बगैर डैमेज के कर्ल करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको लूज कर्ल चाहिए तो आप छोटे रोल ऑन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे रोल ऑन्स पे अपने बालों को अच्छे तरीके से लपेटिए और उतनी लेंथ तक लपेटिए जहां तक आपको अपने बालों के अंदर कर्ल्स चाहिए, और उसके बाद बॉबी पिंस लगाकर हेयर स्प्रे से अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दीजिए कम से कम 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद जब आप बॉबी पिंस और रोलॉन्स को खोलेंगी तो आप देखेंगी कि आपके बाल अच्छे तरीके से कर्ल हो चुके हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि हेयर कलर। हेयर कलर का इस्तेमाल करके आप अपने बालों को कर्ल कर सकती हैं जैसे मर्जी वैसे। अगर आपको बड़े कर्ल्स चाहिए तो आप बड़े कर्ल्स ले सकती हैं। अगर आपको सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए तो आप सॉफ्ट कर्ल्स ले सकती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जब भी अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इस्तेमाल अपने बालों पर करना है तो आपको सही टेम्परेचर और अपने बालों के टेक्सचर का ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया या फिर बहुत कम टेम्परेचर कर दिया तो बाल डैमेज भी हो सकते हैं। सो दोस्तों, यह है आसान सा तरीका घर पर ही अपने बालों को कर्ल करने का। इसे ट्राई जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।